Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. चीखते रहिए पत्रकार साहब, चीखते रहिए। लोग गुनाह करते हैं, आप गुनाह अजीम कर बैठे हैं। बताइए इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि टांग पर टांग चढ़ाकर खर्राटे लेने वाले यूपी के अधिकारियों के खिलाफ आपने खबर छाप दी। किस्मत मानिए कि यूपी में राम राज है, इसलिए मैच गिरफ्तार हुए हैं, वरना सूली पर चढ़ा दिए जाते, दीवारों में चुनवा दिए जाते, हाथी के पैरों तले कुचलवा दिए जाते। कसम से हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 12वीं की इंग्लिश पेपर लीक हो जाती है, लेकिन किसी अधिकारी को कानों कान खबर नहीं होती। देखते ही देखते कई जिलों में पेपर पहुंच जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। लेकिन जैसे ही अधिकारियों की बेहयाई बेपर्दा हो जाती है, वो कांपने लगते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। देखते ही देखते यूपी पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड बन जाती है, और फिर क्या, नो इफ नो बट, सीधा एक्शन। यही यूपी है। यहाँ कामचोर अफसरों की गलतियां बताना सरकार के खिलाफ साजिश हो जाता है। वाह, सही है, मुस्कुराइए, आप यूपी में है। तो हुआ यूं कि 12वीं की इंग्लिश पेपर लीक होने के बाद परीक्षा टाल दी गई। हिंदी पत्रिका अमर उजाला ने इस खबर की रिपोर्टिंग कर दी। रिपोर्टिंग के बाद सरकारी महकमों में हंगामा मच गया। पुलिस घटना की छानबीन छोड़ पहले अमर उजाला के पत्रकार के पास पहुंच गए और खबर को रिपोर्ट करने वाले पत्रकार अजीत ओझा को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पत्रकार को न सिर्फ घंटों थाने में रखा गया, बल्कि उसके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। वहां के कर्मचारियों के साथ कथित रूप से हाथापाई किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। हिरासत में लिए गए पत्रकार का नाम अजीत ओझा है। अजीत का आरोप है कि पुलिस उनको धमका रही है। देखिए, आज अमर उजाला में एक खबर छपी है, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र का सोशल मीडिया पे वायरल होने को लेके। इस खबर छपने के बाद सुबह हमको पहले DIS फ़ोन किए, जिला विद्यालय निरीक्षक फ़ोन करके कहे कि ये खबर छापी है आप लोगों ने, इसका प्रश्न पत्र वायरल जो हो रहा है वो आपके पास है क्या? तो हमने कहा कि प्रश्न पत्र तो अमर उजाला में छपा है, उसका कोड भी है, अलबत्ता वहाँ जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उसको डार्क कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो नहीं, अगर प्रश्न पत्र हो तो थोड़ा हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हमने एक बार उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन किए हमको कि आप भेजे नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। उनके ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन किए और कहे कि आप साहब को भेज दीजिए प्रश्न पत्र। उसके बाद DM साहब फ़ोन किए हमको, कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। हम कहे सर हम क्या जानते हैं आपके, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया होगा। तो कहे नहीं, थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। DM साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे दफ्तर में पहले तोड़फोड़ किया इन लोगों ने, और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए। कहे कि आप कोतवाली चलिए, हमने क्या कारण है, FIR हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है? तो नहीं, आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी, हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं। जो बात हमने DM साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं, आप कोतवाली चलिए, हम नहीं आ रहे थे। तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए और यहाँ ला के न कोई पूछताछ न कुछ, जबरन बैठा के रखे हैं। कितने घंटे से बैठा है कोतवाल? करीब हमको 3 घंटे से यहाँ बैठाया गया है, कोतवाल, बलिया कोतवाल। हालांकि पत्रकारों की गिरफ्तारी पर जब हमने बलिया के SP से बात की तो उनका जवाब रटन तो तोते की तरह बिल्कुल साफ था। पत्रकारों की भूमिका को लेकर जब SP साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो चकर घिन्नी की तरह जवाब दिया, उसे सुनकर आप भी माथा ना पीट ले तो कहिएगा। इस संबंध में बताना चाहेंगे कि जनपद बलिया में 3 थाना क्षेत्रों में सिकंदरपुर नगर और कोतवाली में 3 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं।
जिनमें पूर्व में 24 और 10 और अभी गिरफ्तार करके कुल अब तक 34 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी तथ्य आएंगे उनसे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। डिटेल्ड प्रेस नोट जिस प्रकार पूर्व में जारी किया गया था उस प्रकार अभी भी जारी हो जाएगा। सर इसमें पत्रकारों का क्या रोल है? देखिए विवेचना हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अभी इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि पत्रकारों का क्या रोल है, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी जो जो भूमिका है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति जो कि एक विद्यालय में सह अध्यापक था और कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी ली कर रहा था, उसके पास ही प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है। अभी विवेचनात्मक कार्रवाई क्योंकि प्रचलित है, कोई भी फैक्ट्स जो बताए जाएंगे वो हमारी विवेचना को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो समय आने पर आपको सभी फैक्ट्स बता दिए जाएंगे, सब चीज़ों से अवगत कराए जाएंगे। अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि पत्रकारों की कोई भूमिका निर्धारित की गई। सर कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तक 34 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और अग्रिम जो भी होगा आप लोगों को बता दें। खैर जांच तो होती रहेगी साहब, लेकिन कम से कम ये तो बता ही दीजिए आखिर किस जुर्म में पत्रकार साहब को अरेस्ट किया है, उसमें सबूत क्या मिले? स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी प्रशासन के पास, क्वेश्चन पेपर को सुरक्षित सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन के पास, बच्चों को क्वेश्चन पेपर बांटने से पहले सील मोहर की जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी प्रशासन के पास, लेकिन पेपर लीक हुआ और पत्रकार ने खबर छाप दी तो पूरी गलती उसकी। कसम से सलाम रहेगा यूपी पुलिस और प्रशासन को, एकदम हीरा अधिकारियों को चुन चुन कर यूपी में लाया गया है। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।